न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बाराबंकी में पुलिस पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा है। सोमैया चौकी के सिपाहियों पर ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि उन्होंने गांव के एक व्यक्ति से विवाद के बाद 20,000 रुपए की मांग की। जब ग्राम प्रधान ने मामले की पैरवी की तो सिपाही उन्हें धमकी देने लगे। इसके बाद दोनों सिपाहियों को चौकी से हटाकर थाने पर तैनात किया गया। कोतवाली आ रहा नहीं, हमारे गांव के हैं बेचारे, गरीब आदमी हैं, पल्लेदारी करते हैं, लेबरी करते हैं, तो इनका कल जो है पुलिस वाले बुलाएं, कुछ इनके भाई के कुछ मामला है, कोई औरत औरत के, तो देखिए चौकी बैठा ली रोहित राजकुमार। तो ये जब जो उन्हें गणेश गए चौकी पे, यहाँ भैया काहे लाए हो, तो उन्हें बैठा ली, इनका मारिन पीटिन। अब 20,000 रुपये इनसे मांगे, ला कहीं 20,000 रुपये दिए उन्हें, तो जो है तुमका जो है 76 फंसा दिया सबका। तो इनके पापा हमारे पास 3:50 पर या 40 मिनट पर आए, कहें भैया इसी सी बात हमारे लड़के ने बैठाए हैं चौकी पर, यहाँ तो हम कहें इनको बैठाए, कहें सरोज हो तो रोहित सरोज और राजकुमार, तो हमका काम है तो बताएं इनको, हम कहें काम है तो कहें भैया वो लड़की। बच्चों के मामूली विवाद के चलते गाली गलौज का विरोध करना युवक को भारी पड़ गया। दबंगों ने युवक के सिर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। रन फानन में परिजनों में घायल युवक को CHC में भर्ती कराया। घायल युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत हो गई। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना बरखेड़ा इलाके के प्रताप डांडी गाँव का ये पूरा मामला है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या के मामले को संसद में उठाने का ऐलान किया। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए कहा कि दलितों सहित अन्य की हत्याओं को राज्य में जंगल राज कायम रख रखा है। आजाद ने तानाशाह सरकार को सत्ता से बाहर करने की बात कही और 2027 के बाद दोबारा सत्ता में न आने की चेतावनी दी। उन्होंने जाति तोड़ो समाज जोड़ो के तहत लोगों से एकजुटता की अपील की। बस्सी जिले के आमौर घाट पर 7 और 8 नवंबर को छठ पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं उगते सूर्य को अर्घ देंगी। HG गोरखपुर जोन ने छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी चाक चौबंद व्यवस्था की बात की है। पूजा के दिन अर्घ 7 नवंबर की शाम और 8 नवंबर की सुबह दिया जाएगा। विसर्जन के संबंध में आज क्षेत्राधिकारियों से अपर पुलिस अधीक्षक SP साहब और IG साहब से यहाँ मीटिंग की गई है, जिसमें विभिन्न कार्रवाइयों के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही साथ आने वाले 7/8 के दिन छठ पर्व के संबंध में भी तैयारियों की समीक्षा की गई है। तो इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई है और उम्मीद है कि शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाए जाएंगे। मुजफ्फरनगर का जवान विवेक देशवाल जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गया। 30 वर्षीय विवेक 2015 में आर्मी में भर्ती हुआ था, श्रीनगर में तैनात था। उसका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा, जिसे परिवार में कोहराम मच गया। विवेक सहजुड्डी गाँव का निवासी था। हरदोई में एक अचेत युवक की जान बचाने में पुलिस ने मसीहा की भूमिका निभाई। बाइक फिसलने से घायल युवक को लोग मृत समझ रहे थे, लेकिन रात्रि गश्त पर निकले पुलिसकर्मियों ने उसे देखा। एक पुलिसकर्मी ने युवक का हार्ट पंप किया, जिससे उसकी चेतना वापस आई। तुरंत उसे CSC पहुंचाया गया, जहां से लखनऊ रेफर किया गया। अब युवक स्वस्थ है। पुलिस की इस हीरोइक कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह प्रकरण थाना मल्लावा अंतर्गत नया गाँव का है, जहाँ पर स्थानीय पुलिस सायंकालीन गश्त कर रही थी। उसी समय सड़क किनारे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गिरा हुआ था और अचेतावस्था में पड़ा हुआ था। इनको पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया और इन्हें तत्काल नज़दीकी CSC ले जाया गया, जहां इनका इलाज कराया जा रहा है। स्थिति सामान्य है। इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम मोहम्मद मोइन बताया और ये रहने वाले बालामऊ थाना कछौना क्षेत्र के हैं। इसमें पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। पीलीभीत में आपसी लड़ाई झगड़े के बीच दो पक्षों में मारपीट के बाद युवक के गले पर धारदार हथियार लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर जांच पड़ताल करने में जुटी है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित लाल रोड की है। ये शिवम कश्यप है, जो 40 फीट पर आए थे, तो इनके गले के लेफ्ट साइड में दो धारदार निशान है। ये धारदार चीज लग रही है, 6 सेंटीमीटर का है और 3 सेंटीमीटर का, दोनों बीच में 1 सेंटीमीटर गए थे और राइट साइड में ही माथे पर निशान चोट है, वो ब्लंट ऑब्जेक्ट है, वो है 2 सेंटीमीटर एंड 1/2 सेंटीमीटर और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का जो डिस्टल फेलिंग है उस पर भी 0.5 सेंटीमीटर का चोट लगी है। फिलहाल मरीज होश में है और परिवार कहना है कि उन्होंने खुद से ही हमला किया। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली पुलिस ने एक मुठभेड़ में 4 गौकशों को गिरफ्तार किया। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी। हाल ही में एक अछौल में
गौवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंदुवादी नेताओं ने गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसने गौवंश गौकशी के उपकरण, अवैध शस्त्र, एक ब्रेजा कार बरामद की है। सभी चारों आरोपियों के खिलाफ कई गौकशी के मामले दर्ज है। आज शाम थाना कोतवाली नगर की पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कछोली ग्राम का जंगल है, यहाँ पे गोकसी करने वाला एक गिरोह आ सकता है। इसके संबंध में थाना कोतवाली नगर की टीम्स डिप्लॉय की गई थी और ये एक ब्रिजा गाड़ी में गोकसी के उपकरण के साथ यहाँ पे कुछ व्यक्ति आए और जिन्होंने पहले से यहाँ पे एक गाय बांध रखी थी, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये गोकसी करने के इरादे से आए हैं। इन लोगों को जब पुलिस द्वारा रुकवाने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर किया। इसमें पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है और अन्य दो बदमाश जो थे इनको मौके से घेर घोट कर पकड़ा गया है। इस प्रकार कुल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है इसमें ये पता चला है, गोरखपुर में दुर्गाबाड़ी खाटू सेल्स कॉर्पोरेशन में 45 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के सिक्कों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 36,61,000 रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल, स्कूटी और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कपड़े और वाहन बदले। घटना का खुलासा ऑपरेशन त्रिनेत्र के दौरान सीसीटीवी कैमरों के जरिए किया गया, जिसमें पुलिस की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र में 21/22 की रात को एक इलेक्ट्रिकल के सामान के होलसेलर हैं, उनके यहाँ से एक चोरी की नकबजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। घटनास्थल का निरीक्षण और वादी से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला कि रात के समय पे कुछ व्यक्तियों द्वारा आकर उनके गोदाम का ताला तोड़ा गया और उनके वहाँ ऑफिस में रखे 45 लाख से ज़्यादा जो कैश और कुछ सोने और चांदी के सिक्के थे उनको वहां से चुरा लिया गया है। इस घटना की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि ये शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई थी और त्योहारों से के सीज़न में और मुख्य त्यौहार से जस्ट पहले हुई थी, व्यापारी के साथ घटना थी, इसकी गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी साहब के निर्देशन में सीओ कोतवाली। खबर गांडा से, जहां केसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कनाडा द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर जमकर कनाडा पर निशाना साधा है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देखिए, एक तो कनाडा की तरफ से गलत बयानबाजी की जा रही है और दूसरा यह लगता है कि गृह मंत्री अमित शाह की धमक कनाडा तक पहुंच गई है। और तो और, कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह का नाम लेना कनाडा के लोग भारत से भयभीत है और इसमें अमित शाह की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे वो लोग चिंतित हो रहे हैं। कनाडा के लोगों का बिना सरपैर का आरोप है, उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन कानून अपना काम करेगा। अगर कानून की नज़र में चाहे कोई कनाडा में रहता हो, चाहे कोई अमेरिका में रहता हो, अगर भारत से संबंधित है तो भारत का कानून काम करेगा। देखिए, एक तो वो गलत बयानी कर रहे हैं और दूसरा ये लगता है कि अमित शाह जी की धमक कनाडा तक पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी का नाम लेना, अमित शाह जी का नाम लेना, वो भारत से भयभीत है और उसमें अमित शाह जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, जिससे वो चिंतित हो रहे हैं और उनका बेसिर पैर का आरोप है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाराबंकी शहर में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा पर लुटेरे लूट की नाकाम कोशिश की। पीछे के रास्ते से बैंक में दाखिल होकर लुटेरे लॉकर तक पहुंच गए। हालांकि लुटेरे बैंक के अंदर किसी भी तरह की लूट को अंजाम नहीं दे सके। बैंक मैनेजर की जानकारी पर पुलिस के अधिकारियों समेत तमाम फोर्स मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बैंक और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया, उसे खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक रात के समय में बैंक परिसर में कोई भी गार्ड नहीं रहता, जिसके चलते लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। बाराबंकी जनपद के सिटी थाना क्षेत्र के इंदिरा मार्केट है, यहाँ पर वहाँ एक पीएनबी बैंक की एक ब्रांच है, उनके मैनेजर साहब के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे चोरी का प्रयास किया गया है। तुरंत मौके पर यहाँ पे सभी संबंधित अधिकारी और जो हमारी जो स्पेशल टीम है, जैसे एसओजी की, सर्विलांस की, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, सभी यहाँ पे भेजा गया। यहाँ पे हम लोग सब मौके पे हैं। अभी पूरी तरह से इसको चेक किया गया है। बैंक से कोई भी उपकरण अथवा पैसे की चोरी नहीं हुई है, सभी कुछ चेक किया जा चुका है, लेकिन इस घटना के संबंध में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अतिशीघ्र हम लोग इस घटना को वर्कआउट करेंगे। और एक बात और कि यहाँ पर गाजियाबाद में अधिवक्ताओं ने लाठीचार्ज के विरोध में हड़ताल की और तीनों तहसीलों में प्रदर्शन के अधिवक्ताओं के हंगामे की आशंका के चलते कोर्ट परिसर में पुलिस तैनात की गई।
बार और लॉयर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया, जबकि अधिवक्ता गाजियाबाद जिला जज को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये जो गाजियाबाद में एक हमारे अधिवक्ता साथी के साथ जिला जज द्वारा अभद्रता की गई है, उसके संबंध में हम लोगों ने अधिवक्ताओं के गाजियाबाद के अधिवक्ताओं के समर्थन में आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया है और हम लोग तब तक करेंगे जब तक वहाँ के जिला जज को नहीं हटाया जाता है तथा पुलिस प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की गई उन पुलिस कर्मियों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक हम लोग यहाँ इसी तरह धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और गाजियाबाद जिला बार एसोसिएशन का हम पूरे तरीके से समर्थन करते रहेंगे। कासगंज के गंजुरवारा में जेड ए प्लस में मानवता संदेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी ने कहा है कि देश का विकास तभी संभव है जब सभी मिलकर काम करें और भेदभाव खत्म करें। विशेष अतिथि स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य ने कहा कि सभी को एक दूसरे के धर्म को समझना चाहिए, अहिंसा को अपनाना चाहिए। उन्होंने सत्य, दया और नम्रता के महत्व पर जोर दिया है। मानवता का संदेश एक ऐसा विषय है जिसकी आज सबसे अधिक जरूरत है। देश में हर स्तर पर कुछ लोग हिंदू और मुसलमान को विशेष रूप से लड़ाना चाहते हैं और इस देश के जितने भी देशभक्त हैं, मानवता प्रेमी हैं या देश प्रेमी हैं, उनको उनके लिए सबसे बड़ी आज आवश्यक चीज़ है कि उन लोगों को सफल न होने दें, क्योंकि अगर ऐसे लोग सफल हो गए तो ये देश बिखर जाएगा और कभी भी इस देश का जो सोचा जा रहा है विकास वो नहीं हो पाएगा। तो हम उसी दिशा में हम भी प्रयास कर रहे हैं। हजल भी चीखने लगे तो लोग समझें कि सारा मजमा चीख रहा, सारा मजमा नहीं चीख रहा, चीखने वाले चंद लोग हैं। ज़रा सा उनको समझाने की ज़रूरत है और उनको बताने की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं उसका नुकसान क्या होगा। मैंने एक उदाहरण दिया कि देखिए घर में अगर एक लड़का बिगड़ जाए तो बाद मरतबा पूरे घर की नींदें हराम हो जाती हैं। हमें सबकी फिक्र करनी है, हमें सबको लेकर चलना है और सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसी से इस मुल्क की तरक्की, मुल्क का जो विकास है ये सबके विकास से जुड़ा हुआ है। सबका विकास होगा, मुल्क का विकास होगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। और अगर हम देख देख कर काम करेंगे, इनको नीचा करो, उनका ऊंचा करो, इनको ये करो, उनको वो करो, उसका नतीजा ये होगा कि मुल्क में ऐसी नाहमवारी पैदा हो जाएगी, ऊंच नीच पैदा हो जाएगी कि मुल्क को हमें संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारे मौलाना अली ने पंच केदारों में तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट सुबह 11 बजे विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया और उत्सव डोली चौपता के लिए प्रस्थान की गई। 500 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। बीकेटीसी अध्यक्ष अजय ने बताया कि इस यात्रा में 1,70,000 श्रद्धालुओं ने तुंगनाथ के दर्शन किए। कपाट बंद करने की प्रक्रिया से पहले 3 नवम्बर को यज्ञ हवन भी किया गया था। शिवलिंग को स्थानीय पुष्पों से समाधि स्वरूप समाया गया। सितारगंज शहर के जेल कैंप रोड प्राचीन भूमिया देवी मंदिर के सामने सिटी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग से दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान इलेक्ट्रॉनिक जलकर राख हो गया। घटनास्थल पर दमकल वाहन की देरी से पहुंचने और तकनीकी खराबी के कारण आग की लपटें फैल गई। पड़ोसियों की सूचना पर सफाई नायक विनय कुमार नगर पालिका से पानी का टैंकर लेकर मौके पर पहुंचे। बाल्टियों से पानी की बौछार की। कोतवाल प्रकाश दानू नानक मत्ता मेले से दमकल वाहन बुलाकर अग्निशमन कर्मियों की मदद से आग को फैलने से रुकवाया। अल्मोड़ा बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स लाया गया। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। बस नैनी टांडा के किनात से रामजी नगर जा रही थी जब वो सराट बैंड के पास नदी में गिर गई। मुख्यमंत्री धामी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए, घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के निर्देश भी दिए गए। राहत और बचाव काम जारी है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।